ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतम्। देवाधिदेव महादेव, जिनके बिना यह संसार अधूरा है, तो आइए इन्हीं महादेव के एक भव्य मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं आज। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टू एक्सप्लोरर्स। मैं हूँ राहुल अजेडिया एंड दूसरा एक्सप्लोरर है महर्षि पाठक। सो आज हम लोग निकल रहे हैं सलारेश्वर महादेव पीठ के लिए एंड ये राजस्थान की बॉर्डर पे आया हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। एक्चुअली एक मंदिर है वहाँ पे एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस है, अनएक्सप्लोर प्लेसेस हैं, तो मज़ा आएगा आपको और आपको नई अच्छी जगह जानने मिलेगी। सो स्टे ट्यून। कम ऑन, चलो। अभी हम लोग मोड़ासा सामलाजी वाले रोड पे गोधरा से अप्रोक्स 60 किलोमीटर तक आए और अभी यहाँ से हमको राइट टर्न लेना है, वाया बोरवाई आगे जाना है हमको। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये प्रसादी घर है, यहाँ पे प्रसादी बनती है और ये जो पीछे दिख रहा है ये पूरी भोजनशाला है। एक्चुअली यहाँ पे भोलेनाथ को जो प्रसादी चढ़ती है वो यहीं से बना के प्रसादी चढ़ाई जाती है। आप देख रहे हैं सलारेश्वर महादेव का मंदिर
अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, हमने प्रसादी वगैरह बनाया और भगवान को प्रसादी धराया। अभी यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए आपको यहाँ से धोती पहनना पड़ता है। धोती वगैरह, ड्रेस चेंजिंग रूम वगैरह यहाँ पे है और धोती भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो मंदिर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आपको फॉलो करना है। और दूसरा, मंदिर में जो भगवान को प्रसादी धराई जाती है, वो प्रसादी आपको यहीं पे आके बनाना है और भगवान को धराना है। और हमारे साथ में मंदिर के पुजारी हैं बद्रीनाथ जी। इधर सलारेश्वर दादा के वहाँ मन्नत ली जाती है, घी गुड़ आटा की प्रसादी बनाई जाती है। हर मनोकामना पूर्ण होती है। ज़्यादा करके बच्चों के लिए यहाँ पे गोद भराई जाती है। वो गोद भरने के बाद हर 12 महीने के अंदर भगवान उसको सफलता देता है और यहाँ आके प्रसादी करते हैं। ये इतने सारे नंदी आप देख सकते हो, ये एक्चुअली यहाँ से आपने कुछ मनोकामना अगर ली है